हाय फ्रेंड्स, आप सभी का रसोई दिल से मैं स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स का उत्पम। जी हाँ, काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है। चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। चलिए, इसको बनाने के लिए मैंने जो जो लिया हो उसकी पहले से प्रिपरेशन करके रख ली थी। देखिए, मैंने कुछ वेजीज ली हुई हैं। इससे क्या होता है, कई वेजीज हमारे पेट में चली जाती है। हमने कैप्सिकम लिया हुआ है, ये मैंने बारीक चॉप करके रख ली है, जितना आप बारीक काट सकते हो उतना करके रखिए। ऑनियन, उसका टमाटो लिया हुआ है, इसका मैंने जो रस वाला पार्ट और बीजे होते हैं, सीड्स होते हैं, वो सारे अंदर के निकाल लिए हैं। ग्रीन चिली, और इसके साथ साथ मैंने एक कैरेट भी कट करके रखा हुआ था, बट मैं उसे दिखाना भूल गई हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने अवॉइड किया है। सबसे पहले मैंने ये एक कटोरी भर के ओट्स लिया हुआ है, ये रेगुलर ओट्स है जिसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है। उसके बाद मैंने आधा कप लिया हुआ है सूजी, और उसके बाद मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है दही। दही आप इसमें ज़रूर डालें। ये देखिए, ये मेरे घर की दही है, काफ़ी गाढ़ी है अभी, तो इसमें मुझे पानी की नीड लगेगी। तो उसी बाउल में मैंने आधी कटोरी करीब इसमें पानी और डाल दिया। उसे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, जैसे हमें इसे फाइन स्मूथ बैटर बनाना है, जैसे हम डोसा उत्पम के लिए बनाते हैं ना, कंसिस्टेंसी बिल्कुल उसी तरीके से होनी चाहिए। मुझे थोड़े से पानी की और नीड लगेगी, तो मैंने इसमें आधे कप से थोड़ा और कम पानी डाला हुआ है, क्योंकि जो ओट्स है वो पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, और सूजी भी पानी को पीती है। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से, बिल्कुल गांठे ना रहें इसलिए जो मिक्सर है उसकी हेल्प से मैंने अच्छे तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है, और इसे मैंने कवर करके कम से कम एक घंटे के लिए रख दिया है। आप 30 मिनट्स भी रख सकते हैं, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने एक घंटे के लिए रख दिया। एक घंटे बाद ये देखिए, जो सूजी और ओट्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका, और ये जो पेस्ट है ये देखिए हमारा इस तरह से हो गया है। और अब चलिए, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इनो। आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें इसको एक्टिव करने के लिए 2 से 3 बूंद पानी डाला हुआ है, और इसको अच्छी तरह से मिला दिया है मैंने इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। अब मैं एक कलछी की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा फूलना स्टार्ट हो गया है। इससे क्या, हमारा काफ़ी अच्छी फ्लफी बनेगा जो हमारा उत्पम होगा। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा फूल के तैयार हो गया। मैंने एक घंटे के लिए रख दिया था, जिससे क्या बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद मैंने कर लिया है, एक फ्राई पैन रख लिया है गैस पे, और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, और अच्छी तरह से नमक को मिला दूंगी। आप इसमें चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स अभी भी डाल सकते हो, सारी वेजीज भी अभी डाल सकते हैं, बट मैं अभी नहीं डालूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पोर्शन डाला है, और आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा बना सकते हैं। इसमें मैं फिर धीरे धीरे करके, देखिए मैंने ऑनियन डाला हुआ है, और उसके बाद थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाला है, उसके बाद मैंने इसमें डाली है कैप्सिकम, कैरेट, टमाटो और हरी मिर्च, और अच्छी तरह से मैंने थोड़ा ऐसे प्रेस कर दूंगी, जिससे कि वो अच्छे शेप में भी आ जाए। और आप जिस तरीके से बनाते हैं वैसे तरीके से बनाइए। देखिए, मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया, जिसमें जो शेप है वो अच्छा गोल दिखे। ये देखिए, हमारा जो उत्पम है वो हमने गैस पे रख दिया, और गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बिल्कुल स्लो पे। अदरवाइज जो ये थोड़ा मोटा बनता है, तो हमारा बाहर से तो पक जाएगा बट अंदर कच्चा रहेगा। मैंने इसमें डाला है घी थोड़ा सा, आधी चम्मच करीब, मैं बेटे के लिए बना रही थी। अब देखिए, इसके थोड़ा ऊपर से पक चुका है, तो मैं इसे पलटूंगी। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, हमारा वेज उत्पम बनके तैयार है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।